इस क्वेश्चन में एक तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्यू, है ना। अल्फा फोर एंड बीटा फोर इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, वो भी रियल ही ऑफ कोर्स। तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर इक्वल टू आर, और एक आ गया अल्फा फोर इंटू बीटा फोर इक्वल टू एस, राइट। अब ये इक्वेशन है, एक और इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस ट्वाइस क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू जीरो। इसके इमेजिनरी रूट्स हैं कि दो नेगेटिव हैं, कि दो पॉजिटिव हैं, कि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखें, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू जीरो। इसमें जो डी होगा इट इज इट इज 16 क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर, 8 क्यू स्क्वायर प्लस 4 आर, ठीक है ना। एंड क्यू को तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा, और आर को लिख सकते हैं अल्फा 4 प्लस बीटा 4। क्लियरली ये पॉजिटिव ही है, ठीक है ना, एज अल्फा एंड बीटा रियल। That means ये ऑप्शन तो गलत हो गया, रूट्स इसके रियल ही हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि वो सही नहीं है। नाउ दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कंसीडर करें इस इक्वेशन में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा टू क्यू स्क्वायर माइनस आर, दैट इज ट्वाइस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा फोर माइनस बीटा फोर। तो माइनस साइन कॉमन ले लें तो इट विल बिकम अल्फा फोर माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा फोर, इट इज। अब सिंस अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, तो कैसा हो गया ये नेगेटिव। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, देयरफॉर वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। क्लियरली वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, दैट मींस करेक्ट आंसर इज